हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे करें टैक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल फोटोज के अंदर रखे हुए किसी भी फोटो को वापस लाना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास में पुराने से पुराना अगर कोई फोटो है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो जो फोटो है आप लोगों को गैलरी के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और अब आप लोग उस फोटो को गैलरी के अंदर चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग को जो है दोस्तों हमारी इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। गाइस, गूगल फोटोज से किसी फोटो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उस फोटो को ओपन करना होगा जिसे आप लोग जो है गैलरी के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये फोटो जो है मुझे अपने गैलरी के अंदर चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे राइट साइड में ऊपर की ओर दिख रही थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, और यहीं पर मुझे जो है डाउनलोड का बटन भी मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे उस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, जिससे मेरे सामने विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है वो डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और वो जो फोटो जो है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब बात यह आती है कि ये फोटो डाउनलोड तो हो गया है, अब हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोगों को दो जगह देखने के लिए मिलता है। पहला तो आपकी गैलरी के अंदर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एल्बम सेक्शन के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑल फोटोज़ के अंदर वो फोटो देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप लोगों ने गूगल फोटोज से डाउनलोड किया था। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इस फोटो को देखने के लिए क्या है, दूसरा ये है कि आप लोगों को चले जाना है अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में जाने के बाद में आपको चले जाना है फोल्डर सेक्शन में, और फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज में जाना है। यहाँ पर आप लोगों को DCIM के नाम से फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और फिर आप लोगों को रीस्टोर्ड के अंदर चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी फोटोज़ आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से गूगल फोटो से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी गैलरी के अंदर ला सकते हैं। गाइज, इसी तरीके की और भी टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को और भी मिलती रहें। सो ओके गाइज, दिस इज कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।